स्वागत है, मैं हूँ विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। झंझारपुर अंधरा ठाठी प्रखंड के रुद्रपुर थाना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की घटनाओं से लगातार परेशान रुद्रपुर पुलिस ने नए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर वे अन्य अपराधियों के बारे में पता लगा पाएंगे। झंझारपुर अंधरा ठाठी प्रखंड के रुद्रपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की घटनाओं से लगातार परेशान रुद्रपुर पुलिस ने नए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस बाकी वारदातों में भी इनकी भूमिका और अन्य अपराधियों के बारे में पता लगा सकेगी। बताते चले कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के गंधराइन हटिया गाछी में गुलाब मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। मोबाइल दुकानदार मुतुर्जा अंसारी ने रुद्रपुर थाना में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस को दिए गए आवेदन में आवेदक ने सत्यनारायण पिता गंगेश्वर राव साकिन रखवारी, रोशन कुमार ओम प्रकाश गुप्ता साकिन लौखी कहीं एवं गिरधारी कुमार यादव सकनी रही टोल को आरोपी बनाया था। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को छानबीन में पता चला कि रोशन कुमार की ननौर चौक पर मोटर रिपेयरिंग गैरेज है। पुलिस ने शंका के आधार पर जब गैरेज में छापेमारी किया तो वहां से चोरी के सामान के साथ तीनों आरोपी उसी गैरेज में छुपे हुए थे। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार SI संतोष पाल के साथ मौके पर ही तीनों चोर को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान मोबाइल दुकान में किए गए चोरी के कई सामान जैसे होम थिएटर, मोबाइल बैटरी, मोबाइल चार्जर, मोबाइल डाटा केबल आदि सामान भी उसी गैरेज में से बरामद हुई। तीनों चोरों को शनिवार को कोरोना जांच कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डॉक्टर त्यार राजन SM के निर्देशानुसार रविवार से जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्र पर वोटर रजिस्ट्रेशन का कैंप आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 हेतु महिला मतदाताओं को बढ़ावा देना है। डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देशानुसार रविवार को दरभंगा जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महिला मतदाता, प्रवासी एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 हेतु महिला मतदाताओं के लिंगानुपात को बढ़ाने हेतु विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण अभियान चलाना, प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ाना तथा युवा मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी BLO को निर्देश दिया गया है कि दिनांक 20/9/2020 से सभी अपने मतदाता केंद्र पर उपस्थित रहकर फॉर्म भरकर महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं का पंजीकरण करें। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर इस अभियान का अनुसरण करेंगे। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी, स्वीप कोषांग श्री तन्य सुल्तानिया के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता के लिए ICDS के आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं जीविका के दीदियों के द्वारा जिले में कई प्रकार के मतदाता जागरूक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हस्ताक्षर अभियान, दीवार लेखन, मेहंदी लगाओ अभियान, क्विज, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के युवा जिला अध्यक्ष चिमुन यादव जी की अध्यक्षता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का पुतला दहन आयकर चौक पर किया गया। मुन्ना खान ने प्रेस से रूबरू होकर कहा कि केंद्र सरकार देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच देने का प्रण किए है। वही नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी गूंगी बहरी सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको उखाड़ फेंकने का काम जन अधिकार पार्टी ने लिया है। रविवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव जी की अध्यक्षता में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का पुतला दहन आयकर चौक पर किया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस के रूबरू होकर कहा कि केंद्र सरकार देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच देने का प्रण किए हैं, क्योंकि इससे पहले भी देश की अर्थव्यवस्था को रीढ़ कहे जाने वाले BSNL, रेलवे, LIC, हवाई जहाज सभी चीजों को बेचती चली जा रही है। अब हमारे देश के अन्नदाताओं को
एमएसपी खत्म करने, किसान विरोधी नीति लगाने का काम कर रही है। ठीक अंग्रेजी शासन के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में रूल कर रही थी, उसी तरह मोदी गुजरात कंपनी पूरे देश के सेक्टर को पूंजीपतियों के हाथ बेचती चली जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चला गया है। इस प्रस्तुति में भी देश के किसानों पर ऐसा बिल्ला कर देश के अन्नदाताओं के साथ साथ अन्न खाने वाले गरीब जनता के साथ ही मजाक कर रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं महिला जिला अध्यक्ष भारती सिंह ने कहा कि मोदी सरकार कोई भी कानून जनता के हित में नजर नहीं आता, इसलिए सरकार के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है। युवा जिला अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार आम जनता के खिलाफ है, सभी पूंजीपतियों के लिए काम करती चली जा रही है, जो अब किसी भी हद में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। वहीं नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी गूंगी बहरी सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको उखाड़ फेंकने का काम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक करेगी। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के महेश पासवान, सियाराम पासवान, चांद मोहम्मद आमिद, प्रोफेसर गंगा यादव, मोहम्मद शमूर रहमान, मोहम्मद बरकत, दिलशाद अहमद, मोहम्मद काशिफ इकबाल, मोहम्मद अरमान, नफीज रोशन झा, तौफीक खान, मोहम्मद जाकिर, सोनू खान, सनातन मिश्रा, रोहन बिहारी, मोहन यादव, शुभम सिंह, इशाद फयाज, सैफ अली आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जो भी कुछ उपजा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सारा सर गलत है, इसको जन अधिकार पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान हमारे भारतवर्ष के जो उपजाते हैं अन्न पानी, उससे पूरा भारतवर्ष उसके ऊपर डिपेंड है, और उसके ऊपर जब अत्याचार होगा तो ये कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते। कोई भी किसान अब उनके साथ ऐसा हो गया कि वो अपने ही खेत में मजदूरों की तरह काम करेंगे, ये सरासर गलत है। इसीलिए इसको देखते और किसी पार्टी को कोई, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो चाहेंगे कि किसान को उनका हक मिले, और ये हम सब उनको दिला के। दहन में हमारे दरभंगा के अध्यक्ष मुन्ना खान जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन जी, डॉक्टर साहब, नगर अध्यक्ष पप्पू जी और जन अधिकार पार्टी के क्रांतिकारी युवक साथी, आज बहुत दुख की बात है जो कॉर्पोरेट के सांसद में ये नरेंद्र कुमार मोदी ये गुलामी के तहत किसान को साहस के तहत वह मारने की काम करने जा रहा है, और जब किसान नहीं हमारे देश में रहेगा तो पलायन नहीं होगी, धान नहीं उपजेगा, गेहूं नहीं उपजेगा, सब्जी नहीं उपजेगा, तो यह देश का क्या होगा। आज बहुत दुख की बात है कि आज किसान पर ही देश ठहरा हुआ है। आज ये माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी गुजरात से आकर के पूरे भारत पर शासन लागू किए हुए हैं और किसान को बदतर स्थिति में रख दिए हैं। किसान हमारे देश के महान पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष को साथ अन्याय होगा, जन अधिकार पार्टी माननीय राष्ट्रीय पप्पू यादव जी के बहने के तल्ले में मैं पूरे बिहार में ऐलान करेंगे और इसको वापस लेना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सियाराम पासवान। सिर्फ एक मांग है मैडम, आप थोड़ा इधर आ जाइए। केंद्र सरकार ने जो यहाँ देश को गुलामी की तरफ ठेलने का काम कर रही है, अंग्रेज के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो 200 साल राज करके हम लोग के ऊपर गई, हमारी जो स्थिति थी उसको पत्र पत्र कर दिया, लेकिन अब जो ये सरकार है वो मोदी गुजरात कंपनी लेके आई है जो किसानों के जो MPS है उसके ऊपर भी वो पट्टा लगा रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसान जो अपना मार्केट में बेचना चाहते थे, अपने आदेश से बेचते थे, उस पर रोक लगेगा तो जो हमारे अन्नदाता हैं उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोगों ने इसका विरोध आज नहीं किया तो आने वाले वक्त में किसान के पास कुछ नहीं होगा, जब किसान के पास कुछ नहीं होगा तो हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा और देश में अकाल पैदा होगा। इसीलिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर कि आज जो केंद्र में सरकार है, हमारे सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला दहन करना है, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया नरेंद्र मोदी जी का, ताकि
जो अभी वहाँ सेशन चला उसमें समझ में आए कि जनता जो है देश की जनता जागरूक हो गई है, किसान के खिलाफ अगर कुछ भी किया जाएगा या उनके ऊपर कोई भी अत्याचार कानून आ जाएगा उसका विरोध सारा देश करेगा। उसी के तहत छत्तीसगढ़ पार्टी लोकतांत्रिक ने भी आज उसका विरोध किया है, कड़ा विरोध किया है। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के दीपगांव निवासी संस्कृत भाषा के विद्वान पंडित शशिनाथ झा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति नियुक्त किए गए। नियुक्ति की सूचना मिलते ही उनके गांव समेत पूरे अनुमंडल क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्गों एवं शिक्षाविदों में काफी प्रसन्नता देखा जा रहा है। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के दीपगांव निवासी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान पंडित शशिनाथ झा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राजभवन सचिवालय ने इस आशय का पत्र जारी कर श्री झा को इसकी विधिवत सूचना दी है। प्रोफेसर झा को कुलपति नियुक्त किए जाने की सूचना मिलते ही उनके गाँव समेत पूरे अनुमंडल क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्गों एवं शिक्षाविदों में काफी प्रसन्नता देखा जा रहा है। गांव वाले जहां इसे गौरवशाली क्षण बता रहे हैं, वहीं क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने दीप ही नहीं बल्कि मिथिलांचल के लिए गौरव की बात कही है। शिक्षक डॉक्टर सजीव शर्मा ने वर्ण्याचार्य प्रोफेसर झा को कुलपति बनाए जाने पर बिहार और मिथिला के लिए गौरव की बात बताया। प्रोफेसर झा को कुलपति बनाए जाने पर साहित्यकार अमरनाथ झा, इंग्लिश के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक राय, सेवानिवृत्त शिक्षक कुमार साहब, डॉक्टर अनिल ठाकुर, नीतीश रंजन, डॉक्टर संजीव शर्मा, मोहम्मद रिजवान, विकास झा, लक्ष्मीकांत मंडल, पंडित शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर कन्हैया झा, काशीनाथ झा, वीरेंद्र नारायण झा, डॉक्टर शिव शंकर, श्रीनिवास नारायण झा, अशोक अविचल, केदारनाथ झा, राम सेवक झा आदि ने शुभकामना के संग शाश्वत बधाई दी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं, लेकिन क्षेत्र में नेताओं ने अपनी अपनी घोषणा पत्रों का ऐलान कर अपने अपने तरीकों से जनता को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जाले विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत अजमा रहे महेश कुमार झा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 21 एजेंडा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्र में नेताओं ने अपनी अपनी घोषणा पत्रों का ऐलान कर अपने अपने तरीकों से जनताओं को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जाले विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत अजमा रहे महेश कुमार झा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वे 21 एजेंडा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, जिसमें बाढ़ का स्थायी निदान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अस्पताल और रोजगार प्रमुख है। वहीं महेश कुमार झा ने कहा कि जो भी पार्टियां चुनाव में आती हैं, आने से पहले बाढ़, शिक्षा, रोजगार की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसके ऊपर किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। वे जब फिर से चुनाव मैदान में आते हैं तो फिर से उन्हीं मुद्दों को दोहराते हैं। इसलिए मैं इस बार चुनाव मैदान में आया हूँ, किसी भी पार्टी में ना रहकर निर्दलीय चुनाव लड़कर मैं जनता का हर बात को रखूंगा जो जनता की आवश्यकता के लिए उपयोगी होगा। वहीं उन्होंने भाजपा के वर्तमान विधायक जीवेश मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ समय बिताया है, अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास का काम नहीं किया है। जिन योजनाओं पर उन्होंने काम किया है वही योजना उनकी समस्या बन गई है, क्योंकि उन सभी योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि इनके कार्यकाल में ही समस्या बन चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि जाले विधानसभा में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, जो भी था वह भी बर्बाद हो गया है। यहाँ पर जितने भी स्कूल थे, अस्पताल थे, बर्बाद हो गए हैं। निर्दलीय लड़ने के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि जितनी भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर में राजनीतिक पार्टी है वह दल बदलू उन्मादी जो हमारे इस क्षेत्र को कोई भी डेवलपमेंट अभी तक उस प्रकार नहीं किया जिस प्रकार से हमारी जनता को आवश्यकता है, इसीलिए हम निर्दलीय आए हैं। क्या एजेंडा है जनताओं के बीच में जाने का? मेरा एजेंडा है बाढ़, जो हमारे इस क्षेत्र को बाढ़ ने तबाह करके रखा हुआ है। जो भी पार्टियां चुनाव में आती है तो आने से पहले हर व्यक्ति वही बात करता है, बाढ़ की, शिक्षा की, रोजगार के, लेकिन सत्ता बनने के बाद उसके ऊपर में कोई भी कार्य नहीं करता है। फिर जब वह चुनाव का मैदान में फिर आता है तो फिर वही बात करता है। इसीलिए मैं इस बार आया हूँ,
कि किसी भी पार्टी में ना रहकर मैं निर्दलीय लड़कर मैं हर वो बात जनता का रखूंगा जो जनता की आवश्यकताओं के लिए उपयोग होगा। कार्यकाल तो कुछ है ही नहीं, ये तो समय बिताया है। कार्यकाल में तो कुछ भी काम नहीं किया है इन्होंने। जो योजना पर इन्होंने काम किया वही योजना आज उनकी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है उन सभी योजनाओं में जो आज इनके कार्यकाल में ही वही समस्या बन चुका है। विधानसभा का दौरा आपने किया होगा और देखा होगा किस प्रकार की परिवर्तन हुई है, क्या कुछ परिवर्तन नजर आया? परिवर्तन यही हुआ है जो उन्माद विकास का तब कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो भी था वो अभी मेरा ध्वस्त हो गया। मेरे स्कूल जितने भी थे वो सारे ध्वस्त हो गए, मेरे हॉस्पिटल जितने थे वो सारे ध्वस्त हो गए, मेरी जो सड़कें पहले से इससे बेटर था, जिस समय मैं कठी गाड़ी चलता था उस समय इससे बेटर देखा जाता था, लेकिन आज मशीनरी युग में इस प्रकार की सड़क आज बन रही है जो आज बनती है और एक महीना के अंदर ही उखड़ जाती है, जो आपको जीता जागता ये आपको प्रधानमंत्री सड़क जिस पर आप आए हैं मेरे गांव उसको आप देख सकते हैं। 13 करोड़ से यह रोड सड़क बना था और कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो गई। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? भ्रष्टाचार इसका मूल कारण है। दूसरा, जो भी गुणवत्ता के लिए कार्य करना चाहिए गुणवत्ता पे कार्य नहीं होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को ठेका दे दिया जाता है जिसको सड़क बनाने का अनुभव नहीं है और ना ही कोई इसका लैब टेस्ट होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही इतना परसेंटेज ये लोग रखा हुआ है जो कोई भी आदमी इसको जांच कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारा DPR का जो स्केल है वह इतना पुराना है जो उस समय का रेट में और आज के रेट में कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, और उस DPR के हिसाब से ऐसा DPR बनाया जाता है जिसके अंदर में गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है जो गुणवत्ता कोई जांच कर ही नहीं सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो मंत्रिमंडल हो, कोई कर ही नहीं सकता है क्योंकि वहां से भ्रष्टाचार का जल घुसा है। क्षेत्र में सर शिलान्यास विधायक के नाम से जीवेश मिश्रा को जाना जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं कुछ बोल रही, यह क्षेत्र की जनता खुद बोल रही है। मैं 21 एजेंडों के साथ जा रहा हूँ और इस 21 झंडा में 21 को करके मैं दिखाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़नी पड़ेगी वो भी मैं दौड़ूंगा। बेला दुल्ला विकास मंच की आम सभा की बैठक में समस्या निदान एवं विकास पर गहन विचार विमर्श किया गया। मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने, समाज में एकजुटता सहयोग बनाए रखने, एकजुट रहकर विकास करने का आह्वान किया गया। बेला दुल्ला विकास मंच की आम सभा की बैठक में समस्या निदान एवं विकास पर गहन विचार विमर्श किया गया। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास साफ सफाई रखे तो मोहल्ला स्वतः स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। समाज में एकजुटता सहयोग एवं समन्वय भाव से हर समस्या का निदान तथा अनेक तरह का विकास संभव है। उक्त बातें बेला दुल्ला विकास मंच दरभंगा की आम सभा की मध्य विद्यालय बेला दुल्ला में अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अयोध्या नाथ झा ने कहा। उन्होंने मोहल्ला के सभी गलियों का नामकरण कर प्रायोजक के सहयोग से बोर्ड लगाने तथा सदैव एकजुट रहकर विकास करने का आह्वान किया है। बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने संगठन तथा बैठक के उद्देश्यों की जानकारी दी, जबकि सेवा समिति के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने गत एक माह में संपादित समस्या निदान एवं सामूहिक विकास के कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए सभी सहयोगियों को साधुवाद किया। कार्यकारिणी सदस्य रमेश झा ने स्वच्छता अभियान की प्रशंसा करते हुए गहन वृक्षारोपण तथा 100% बच्चों के स्कूल जाने पर जोर दिया। संजय ठाकुर ने सामूहिक एकता से समस्याओं के निदान तथा विकास को रेखांकित किया। कनीय अभियंता बुध कृष्ण बबलू ने संगठन के माध्यम से कार्य संपादन करने तथा मिलजुल कर विकास करने की बात की। अभिषेक कुमार ने संपूर्ण बेला दुल्ला सहित पूर्वी भाग से संगठन में प्रतिनिधित्व तथा विकास की मांग की, जबकि हरिहर झा ने सभी सदस्यों से सक्रिय रहकर सहयोग देने की अपील की। विशंभर चौधरी ने नए बसे भाग में बिजली पोल गड़वाने तथा सड़क बनवाने की मांग की, जबकि अनु झा ने सभी सदस्यों से थोड़ा समय दान व अर्थदान कर समस्या निदान पर जोर देते हुए स्वार्थ त्याग कर सभी सक्षम व्यक्ति को आगे आने का आह्वान किया। चंद्रमोहन झा ने सक्रिय रहकर बेहतर तालमेल से जनप्रतिनिधियों के मार्फत विकास करने की बात कही, जबकि सत्येंद्र लाल कर्ण गड़े हुए बिजली पोल पर तार लगवाने की मांग की।
उपाध्यक्ष डॉक्टर विधान चंद चौधरी ने कहा कि हर समस्या में अपार उत्साह एवं क्षमता है, बस जरूरत है उन्हें प्रेरित करने की। हम लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देकर अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बैठक में बेला दुल्ला निवासी रुपेश कुमार झा की पुत्री प्रणाली के सुष्मिता सेन एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेस्ट में चयन तथा सर्वाधिक मत लाने हेतु मंच के द्वारा मुकुट फूलमाला तथा उपहार आदि प्रदान कर हौसला अफजाई किया गया। इस अवसर पर शिवम डायग्नोसिस्ट की ओर से 4 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को प्रातः काल में सदस्यों के लिए मात्र 30 रुपये में रक्त शुगर जांच तथा उससे प्राप्त राशि में 15 प्रति रुपए सदस्य संस्था में देने की घोषणा की गई। वहीं मुन्ना सिंह ने मिथिला पेंटिंग के विकास तथा संगीत हेतु साजो सामान के साथ ही पर्याप्त जगह निःशुल्क उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया। जबकि योग प्रशिक्षक अरविंद निखिल ने 27 सितंबर से प्रत्येक रविवार को सुबह 1 घंटा मध्य विद्यालय बेला दुल्ला परिसर में लोगों को निःशुल्क योग प्रशिक्षण देने की घोषणा की। डॉक्टर अविनाश कुमार के संचालन में आयोजित बैठक में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आर एन चौरसिया ने किया। रविवार को सेवा सप्ताह के अंतिम दिन शक्ति केंद्र प्रमुख श्रीमान रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पकाही झजरा शक्ति केंद्र के बूथ पर स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। इसके उपरांत डीवार स्थान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। रविवार को सेवा सप्ताह के अंतिम दिन शक्ति केंद्र प्रमुख श्रीमान रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पकाही जचरा के शक्ति केंद्र बूथों पर स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया एवं बाबा कुशेश्वर नाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु एवं सतायु की कामनाएं की गई। स्वच्छता अभियान के उपरांत डीवार स्थान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री सह कुशेश्वर स्थान विधानसभा प्रभारी माननीय अंजनी निषाद जी का कुशल मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।